चाय पिएगा? चाय छोड़, मैच लगा। distance on it but the field is up as well. चल 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 चल, घर वाले आ गए, घर वाले आ गए, घर वाले। अबे यार मैच लगा हुआ है, मैं तुझे बाद में बता दूंगा यार मैच का। अभी निकल, अभी निकल। आप नहीं समझते मैं किस तरह रोज रोज जलील होती हूँ। और मैंने तुम लोगों के लिए आज तक जैसे कुछ किया ही नहीं है ना। हाँ जुआ खेलते हो और उसमें भी हार के आ जाते हो, नाकाम आदमी। बहुत जबान चल गई है तुम्हारी। ये क्यों करते हैं तेरे साथ ऐसा? पता नहीं यार, रोज रोज की चिक चिक से मैं बहुत तंग आ गया हूँ। अबे मान बात मेरी, मैं तुझे हमेशा बोलता हूँ, तू जो बोलता है मेरे लिए करना आसान नहीं है शर। एक दफा की हिम्मत है, खत्म कर दे सबको, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। दिमाग ठीक है तेरा? तो जैसे भी है मेरे माँ बाप है, और वो छोटी उसकी गलती है। यही तो मैं भी बोलता हूँ, वो छोटी वो बिला वजह माहौल में घुट घुट के मर जाएगी। फालतू बात मत कर, चले जा भी यहाँ से। ना मान मेरी बात, पछताएगा तू, कभी नहीं सुनता मेरी। जी जी बोले। सुनाई नहीं देता क्या? बाहर जाके देखो कौन आया गेट पे। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। जी भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? कोई काम था। तारीख देखिए आज 15 हो गई है, 3 महीने का किराया निकालो फौरन। मैं 2-3 दिन तक बस आपको कुछ करवाता हूँ। तुम लोग आजकल आजकल बोल के ना 3 महीने पहले ही निकाल चुके हो। कभी तुम, कभी तुम्हारा बाप, और कभी झूठी माँ। माँ के बारे में कुछ मत बोलियो। माँ के बारे में कुछ मत बोलना। कुछ मत बोलना। क्या हुआ बेटा? किराए की बात करना आया हूँ, किराया दें आप। बस करें भाई, आखिरी बार थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं आपको आपके पैसे दे दूंगी, मेहरबानी करें। मैं 15 को वापसी आऊंगा, और अगर किराया नहीं मिला सामान समेत दोनों को बाहर निकाल दूंगा। देख लिया तुम्हारा बाप मुझे कहां कहां से जलील करवाता है। ऐसे नहीं मैं बोलती रहती। मैं क्या करूं, खुदा के वास्ते मुझे बख्श दो। आजो सारे खाना खाने। आमिर अभी रज्जू बेटा आजो, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है।
खाना कैसा बनाए? अच्छा है। वो इमरान भाई आज फिर आए थे। क्यों? 3 महीने का किराया नहीं दिया, बोल कर गए हैं 15 को फिर वापस आऊंगा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, मैं बात कर लूंगा उनसे। ये मेरा ही मसला है, हर दफा मुझे जलील करके जाते हैं, आपको नहीं। तो कहाँ से लाऊं पैसे, अकेले करता हूँ। जो पैसे आप जुए में हारते हो ना, अगर वो घर पे दो ना, कुछ तो फाका होगा। खाने के बाद तो चीखना चिल्लाना बंद करें आप लोग, ऐसी थोड़ी पे बरकत ही है। तंग आ गया हूं अपनी जिंदगी से, दिल करता है मार दूं खुद को। खुद को मारना हल नहीं है, फिर क्या करूं, मेरे बस में तो यही है। ये हल नहीं है, जो हल है मैं तुझे बता चुका हूं। तू जो बोल रहा है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है शर। भाई एक दफा की मेहनत है, उसके बाद सुकून ही सुकून। तेरे माँ बाप को हमेशा अपने मेंटल पीस की पड़ी रहती है, तो तू अपना देख। कभी कभी इंसान को अपने सुकून के लिए खुद गर्ज होना पड़ता है। खुद गर्ज होने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी फैमिली वालों को मार दूं। कोई और रास्ता है तेरे पास? तेरे इस फैसले से सब सुकून में आ जाएंगे, तेरे माँ बाप एक दूसरे से, तू माँ बाप से, और तेरी बहन इस माहौल से। बहन? उसकी गलती है। यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, उस बेचारी का क्या कसूर, इस माहौल में घुट घुट के मर रही है वो। अरे खुदा, जिंदगी के किस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया तुमने, फिर ये सब होगा कैसे? वो तू मुझ पे छोड़ दे, अभी तू आराम कर। अज्जू, अज्जू ये क्या हो गया? अज्जू आंखें खोलो, अम्मी, अबू, अम्मी, अबू ये क्या हो गया? अज्जू, अम्मी, अबू इन सब को किसने मारा? अबीर, कौन है यशर? दोस्त है मेरा, क्लोज है बहुत। ऐसा क्यों? एक वही था जो मुझे समझता था। लगता है तुम्हारी और अशर की जिंदगी बहुत सेम है।
काफी ज्यादा। तो दोस्त की बातों में आके अपने घर वालों को मार दिया, ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुमने नहीं तो किसने मारा? किसने मारा है? अशर ने मारा है। मेरी बहन, मेरी बहन को अशर ने मारा है। मेरे बाप, मेरी माँ, सबको अशर ने मारा है। अशर ने मारा है सबको, अशर ने मारा है सबको। तुमने ही मारा है अबीर।